यहाँ पर दिखाने वाले सभी दृश्य मनगढ़ंत या काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी टॉप पर आशिक, ट्रेलियर, रट्टू, बिंदास, सीनियर या जूनियर से इन मैच इनकी सामान्यता एक सूझबूझ का किया गया कार्य है, जिसका हमें अफसोस नहीं है। आज मेरा नीट का रिजल्ट आने वाला है। नीट का रिजल्ट। अरे कोई बात नहीं, तुमने इतने पैसे बर्बाद किए हैं, इतनी कॉपियां भरी हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। देखो शायद रिजल्ट आ गया हो। 12 बज गए हैं, रिजल्ट आने वाला होगा। नहीं भाई, एक ड्रॉप और ले लो, तेरा हो जाएगा। अगर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना तो तुम होम्योपैथी कर लो। होम्योपैथी मीठी गोली नहीं, तो फिर वेटरनरी कर लो। पर मुझे तो इंसानों का ही डॉक्टर बनना है। तो फिर तुम आयुर्वेद कर लो, आज की युवा पीढ़ी में इसका बहुत क्रेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हुआ था, जिसके तहत भविष्य में 5.5 लाख रोजगार मिलेंगे। यहाँ पर दिखाने वाले सभी दृश्य काल्पनिक नहीं है, इनका वास्तविकता से ताल्लुक बिल्कुल है। एक्चुअली वास्तविकता से नहीं, इनका ताल्लुक है कॉलेज लाइफ से। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, या यूं कहूं हम सबकी लाइफ, कॉलेज लाइफ। आज भी याद है मुझे वो कॉलेज का पहला दिन, जब मैं खुद को किसी सुल्तान से कम नहीं समझता। क्या हाल है?
प्रोफेशनल कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं। तो समझा, कल से प्रॉपर ड्रेस, बाल छोटे। कैसे बैठो, तो ही वो बतलाया उसे कह रहे प्रोफेशनल। Next.
बेटा वो कौन उठा लीजिएगा। ये बताइए ये बोन कौन सी है? अजीब बच्ची है, 2 साल से फर्स्ट ईयर में ही है और यही नहीं पता कि बोन कौन सी है। यूमरस है, यूमरस। ओ यूमरस, यूमरस है, यूमरस। अच्छा ये बताओ राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है? निकलिए अगले साल मिलेंगे। नेक्स्ट बैठो। बेटा इसमें बैठो। टॉपिक क्या है? तुम दिल की ये क्या है? सॉरी मैम वो फ्लो फ्लो में निकल गया। हार्ट मैम। हार्ट बोलते नहीं आता सीधे से। सॉरी मैम। व्हाट इज एंजाइना? व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज? व्हाट इज हार्ट अटैक? देखते ही देखते एक साल कब निकल गया पता ही नहीं चला और अब समय था इम्तिहान की घड़ी का, मेन एग्जाम का। इसको अभी लगाना है। आज रिजल्ट लगने वाले थे और सभी डरे सहमे भगवान से डील फिक्स करने में लगे हुए थे। ये भगवान मार्को सिंह तो अपनी बहन की नजर से देखिएगा। हे भगवान मैं रोज एक नारे चढ़ाऊंगा भगवान इस बार पास करा दो भगवान। हे भगवान जी प्लीज फर्स्ट ईयर पास करा दो, सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ाई करूंगी। सलमान खान के पेज को अनफॉलो करके आयुर्वेद के पेज को फॉलो करूंगी। हे भगवान इस चैप्टर रीज कम बनाऊंगी, कम टाइम वेस्ट करूंगी, प्लीज भगवान पास करा दो। ये भगवान हर महीने 100 रुपए चढ़ाऊंगी, प्लीज इस बार पास करा दो। 100 रुपए में तो आज का ट्रैफिक हवलदार नहीं मानता, तो भगवान क्या ठाक मानने वाले थे। चलो अच्छा बने। देखते ही देखते 5 साल कम निकल गए पता ही नहीं चला और अब समय था कॉलेज लाइफ से अलविदा लेने का। जिन बातों पर रोते थे हम बहुत कभी आज उन पर बहुत हंसी आती है। जिन बातों पर रोते थे हम बहुत कभी आज उन पर बहुत हंसी आती है। पता नहीं वो हमारी लाइफ, वो कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है। वो कॉलेज के दिन, कुछ बातें भूली हुई, कुछ पल बीते हुए, हर गलती का एक बहाना कृष्ण की नजरों में आना। पता नहीं कैसे रह पाऊंगा मैं तुम दोस्तों के बिना, लेकिन जिंदगी का ये सफर अब तुम्हारे बिना तय करना ही होगा। वो नए हॉस्टल में दिन बिताना, वो लेक्चर लेते लेते दोस्तों का सो जाना, वो दोस्तों को बहुत याद आने वाला है कॉलेज का वो जमाना। पल मिल जाए, चलो अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता वो बीते पल मिल जाए।
खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों हर गम को बांट लेते हैं दोस्त। न रिश्ता खून का न रिवाज से बंधा है, फिर भी जीवन भर साथ देते हैं दोस्त।